लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले बीएसएफ के रिटायर्ड जवान को उस समय गोली लगने से घायल हो गया जब वह अपने 12 बोर की बंदूक को साफ कर रहा था। यहां तुरंत परिजन घायल को पास के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। इंदौर के कुमार खेड़ी में रहने वाला रघुवीर सिंह बीएसएफ से रिटायर है। वह आज अपने घर में बैठकर अपनी 12 बोर की बंदूक को साफ कर रहे थे, लेकिन अचानक से गोली चल गई और रघुवीर के मुंह के पास से जा निकली। उन्हें परिजन तुरंत पास के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पुलिस घायल के परिजनों के बयान ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी हमें हॉस्पिटल से जान पहचान प्राप्त हुआ है, उसमें बताया गया कि रघुवीर पिता रामचरण पाल निवासी कुमार खेड़ी थाना बाड़गा में जो लगता है इनके द्वारा गोली इनको लगी है। तो अभी वहाँ पर हमारे जांच करने अधिकारी पहुँचे हैं। तो अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है कि ये रिटायर्ड बीएसएफ के जवान रहे हैं। आज सवेरे अपनी बंदूक जो है 12 बोर उसकी साफ़ सफाई करते हुए इनके हाथ से गलती से गोली चल गई, जिससे ये हर्ट हो गए। अभी क्या हालात है सर? अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल है, आउट ऑफ डेंजर डॉक्टर ने बताया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।